हेलो मैम। हेलो, बताइए। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से आया हूँ। हम लोग आने वाली बीमारी के अभी फ्री में वैक्सीन्स लगा रहे हैं। अगर मैम अभी आप वैक्सीन्स नहीं लगवाओगे तो आगे चलकर आपको उसी के पैसे देने पड़ेंगे, 2500 से 3000 रुपये। और आपकी सभी कॉलोनी वालों ने लगवा लिया है वैक्सीन, और फिर आपका ही घर रह गया था, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, आपको वैक्सीन लगवानी है या नहीं। वो सब तो ठीक है, बट मैंने तो ऐसे किसी कैंपेन के बारे में नहीं सुना। मैम आप सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहती हो क्या? हाँ भैया, सोशल मीडिया पे तो मैं उतना एक्टिव नहीं रहती। तभी आपको इस कैंपेन के बारे में अपडेट नहीं है। तो मैम आप वैक्सीन लगवाना चाहोगे या नहीं? हाँ भैया ठीक है, आप अंदर आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। तो कम से कम पानी तो ले ही आती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, आप इतना बोल रही हैं तो ले आइए। ये लीजिए। शुक्रिया। चलिए मैं आपके वैक्सीन लगा देता हूँ। ठीक है, हो गया। डोज थोड़ी हैवी है ना, आप आराम कर लीजिए, लेट जाइए, आप लेट जाइए। अब बनेगी इसकी वीडियो और वो होगी वायरल। ये गई वीडियो इसके फोन में, जब इसको होश आएगा तो इसके होश ही उड़ जाएंगे। अलविदा सेनोरिटा। रूम में कब आई? वो डॉक्टर कहाँ गया? हेलो हेलो मैडम, जरा अपनी गैलरी चेक करिए। क्या क्या है ये सब? कौन हो तुम? मैडम बड़ा शौक है ना आपको लोगों को ब्लैकमेल करने का। भाई आ गया तू, पैसे लेके आया है? हाँ है मेरे पास पैसे, पर यार मेरे पे कैश नहीं है, मैं तेरे को ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। यार तेरे से एक बात पूछूं अगर तू बुरा ना माने तो? हाँ भाई पूछ, क्या हो गया? तूने पिछले हफ्ते भी मेरे से 3 लाख रुपए लिए थे और आज भी तू मेरे से 3 लाख रुपए ले रहा है, बात क्या है बता तो सही। यार पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं तुझे बता नहीं सकता। यार प्रेम सही है, आज मुझे एहसास हो गया कि तू मुझे दोस्त नहीं मानता अपना। भाई यार ऐसी बात नहीं है, मेरी ना काफी टाइम से एक लड़की से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर बात हो रही है। अभी उसने कुछ दिन पहले मुझे अपने घर बुलाया और उसने मुझे पानी वगैरह दिया, वो पानी पी के मैं बेहोश हो गया। फिर उसने मेरे साथ कुछ अश्लील फोटो क्लिक कर लिए। अब वो बोल रही है अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तेरी पूरी फैमिली में ये फोटो दे दूंगी और तेरी वाइफ को दे दूंगी। यार तुझे तो पता ही है ना मेरे घर की हालत कैसी है, और मेरे ससुराल वाले तो यार बहुत आरामी हैं, जिंदा मार देंगे भाई मुझे। बस यही दिक्कत चल रही है मेरे साथ यार। ठीक है भाई, मैं तेरे को अभी पेमेंट सेंड करता हूँ। हो गए। और हाँ भाई तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जो भी तेरे साथ हो रहा है ना
मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ठीक है चल मिलते हैं। देखो ऐसा है, सीधे सीधे ना मेरी वीडियो डिलीट कर दो अभी की अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। मैडम ये वीडियो तभी डिलीट होगी जब आप मेरे दोस्त के सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दोगे। और हाँ, आपने जितने भी उससे पैसे लिए हैं ना, उसको अभी वापस करो, तभी ये वीडियो डिलीट होगी आपकी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको वायरल करने में। अरे नहीं नहीं, वो वीडियो वायरल मत करना, मैं अभी सारे पिक्चर्स डिलीट कर देती हूँ और सारे पैसे भी अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। ओके। हेलो, मैंने सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिए हैं और सारे पैसे भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब तो मेरी वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। सॉरी मैडम, मैं आपकी वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। अरे बट तुमने मुझे वादा किया था कि अगर मैं सारे फोटोग्राफ्स डिलीट कर दूंगी और सारे पैसे वापस कर दूंगी तो तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे। मैडम तुम जैसी औरत का मुझे कोई भरोसा नहीं है कि फ्यूचर में तुम कुछ कांड ना कर दो। फॉर माय सेफ्टी मैं आपकी वीडियो अपने पास रखूंगा।